मैं सभी मेरी बहनों को प्रणाम करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जब आज के दिन मुझे इन हजारों बहनों का आशीर्वाद मिलने वाला है और ये हजारों बहनों का आशीर्वाद उनकी प्रेरणा उनकी ऊर्जा मुझे नई ताकत देगी नई ऊर्जा देगी। ये रक्षाबंधन का पवित्र पर्व केवल एक धागा का पर्व नहीं है, ये भाई बहन का अटूट रिश्ता का पर्व है और भाई बहन के रिश्ते का पर्व एक बहन का आशीर्वाद और एक भाई की जिम्मेदारी बहन की रक्षा करने की ये रक्षाबंधन का पर्व यह है। और आज मेरी इन बहनों से मेरा खून का रिश्ता जरूर नहीं है, लेकिन खून से बड़ा रिश्ता आज आपके बहन भाई का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। और एक बहन भाई के रिश्ते के अंदर जो प्रेम का रिश्ता है जो अटूट बंधन का रिश्ता है जो रक्षा का रिश्ता है ये सब मेरी जिम्मेदारी आज बन रही है। मेरी इतनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है, मैं उनकी पीड़ा को जानता हूं उनके दर्द को जानता हूं उनके अभाव को जानता हूं, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी है कि हर बहन के चेहरे पे खुशी आए और हर बहन के घर में समृद्धि खुशहाली आए। मैं बहन के रिश्तों को जानता हूं, कोई भी माता बहने हमेशा संवेदना से भरपूर होती है। घर में अगर दो टाइम के खाने का इंतजाम भी नहीं होता वह खुद भूखी रहती है, अपने बेटे और पति को पहले खाना खिलाती है। मुझे याद है जब मैं कोटा में प्रसादम कार्यक्रम शुरू किया था तो एक माता ने एक बात कही कि मेरे सात बेटे बेटी हैं, उनको एक साथ खाना खिलाते हुए पहली बार मैंने सोचा है। ये रिश्ता कितना मजबूत है कि मां बहनों को एक साथ सात भाई बहनों को एक साथ खाना नहीं खिला सकती, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। और आज मैं आज आपके बीच में भाई बहन के रिश्ते के रूप में कहना चाहता हूं, आज के बाद आप सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी एक भाई के रूप में मेरी है। और इसीलिए मैं चाहता हूं मेरी बहनें आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ी हो। मैं देखता हूं कि मेरी बहनें तपती धूप के अंदर छोटे बच्चे को पास में खिलौने की तरह रखकर और झूले में खिलाती हुई पेट पर बांधकर काम करके दो रोटी का इंतजाम करती है। मैं एक बार जब ओलावृष्टि हुई थी तो ओलावृष्टि में जब निकल रहा था एक बहन मेरे भागती हुई आई और उसने कहा हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, कुछ नहीं बचा है, हमारे पेट में जो कपड़े पेट की रोटी का इंतजाम नहीं है। उन्हें कहा ये साड़ी का धागा तो फिर भी हम सिलकर पहन लेंगे लेकिन पेट की भूख का सिलाई नहीं हो सकती। वो दर्द मेरे मन में है और इसीलिए जब मैंने कई गर्भवती महिलाओं को देखा तो गर्भवती महिलाओं के घर पर जब मैंने जाकर देखा तो गर्भवती महिलाओं पर सुबह और शाम का भोजन नहीं था। अब पेट में बच्चा
सुबह शाम का भोजन नहीं, पहले पति को भोजन कराना, फिर अपने बच्चों को भोजन कराना, फिर होने वाले बच्चों के भोजन का इंतजाम करना। और मैं आज कह के जा रहा हूं, कोई भी गर्भवती महिला जिसका खाने का इंतजाम नहीं हो, आज के बाद उन सबके खाने की इंतजाम की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि गर्भवती महिला भी स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। केवल खाने का इंतजाम नहीं होगा, उसकी सारी मेडिकल की जांच होगी, दवाइयों की आवश्यकता होगी दवाई दी जाएगी, और उसकी डिलीवरी के समय उसकी जो भी आवश्यकता होगी वह आवश्यकता भी पूर्ति करेंगे, ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। मैंने कई माओं के दर्द और पीड़ाओं को देखा है, और इसलिए मेरे मन में हमेशा मां बहनों के प्रति विशेष श्रद्धा रहती है। और मेरा इतना ही निवेदन है, हमारा रिश्ता तो बन गया है, लेकिन जरूरत होगी तो आप मुझे ढूंढोगी कहां से, मिलोगी कहां से। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर गांव के अंदर महिलाएं समूह बनाएं, छोटे छोटे समूह बनाएं, और उन समूह के अंदर दो दो तीन तीन महिलाएं अध्यक्ष और मंत्री के रूप में रहे, और फिर मुझसे आके संपर्क करें, और जब कभी कोई गांव में पीड़ा हो तो उस समूह के अध्यक्ष और महामंत्री से वह मिले और उस पीड़ा को मेरे तक पहुंचे। ये अगर कड़ी नहीं जड़ेगी तो कहीं ना कहीं मेरी मां बहन अभाव में रहेगी और कहेगी मैं बिरला जी की बहन हूं और ये तकलीफ है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कड़ी से जोड़ने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। आपकी बात मेरे तक बस पहुंच जाए, उसके बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई दर्द देखे हैं, मैंने अस्पताल के अंदर एक मां को देखा है जिसने सब कुछ बेचकर अपने बेटे का इलाज कराते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा है। अब आपको कोई भी घर बेचने की आवश्यकता नहीं है, मकान बेचने की आवश्यकता नहीं है, आपके बेटे पति का इलाज कराने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके स्वस्थ रहे, उसका कोटा में हो, जयपुर में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी इलाज कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि पति भी स्वस्थ रहे और बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। मैं इतनी बात तो कह रहा हूं, लेकिन फिर एक बात कह रहा हूं कि आप मुझसे जुड़ोगे कैसे। जो मेरी चिंता का विषय रहता है, कई बार मैं जाता हूं, साहब हमें यह आवश्यकता है, हमारे तक पहुंचेंगे कैसे। और इसीलिए मैं स्वयं सहायता समूह की सभी अध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूं, वो अपने अपने गांव के अंदर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन महिलाओं को आत्म खड़ा करने की योजना बनाएं। उन समूह के अंदर बनाने वाले हर जो भी उसमें सामान बनेगा, उस सामान को हम मार्केटिंग के माध्यम से देश के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो मेरे गांव के बने हुए माता बहनों के सामान को खरीदे, इसकी व्यवस्था करने की मेरी जिम्मेदारी होगी, ताकि हर महिला को घर बैठे 200-300 रुपए के का काम मिल जाए। मेरी चिंता एक ही है, मैं जब एक प्रदेश के अंदर गया तो उस प्रदेश में इसी तरीके की योजना बनाई कि हर महिला को घर बैठे 200-300 रुपए का इंतजाम का काम वहां की सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करने की योजना बनाई। मैं यहां पर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष भी बैठी है, आओ आप आगे आओ, बताओ इनको। ये सुल्तानपुर की चलाती है, जिला परिषद की सदस्य भी है। मैं इनको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि हर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्ष, मुझे याद है अगर वो ठीक से जुड़ गए, उनको आत्मनिर्भर करने की जिम्मेदारी मेरी है।
मैंने कोविड के समय देखा है, जब मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की, आशा सहयोगियों से बात की, वो उस कोविड के समय अपने पति और बेटे के साथ 5-5 किलोमीटर इलाके के अंदर मेरे इलाके का व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके गांव की जांच कराने का काम वह आंगनबाड़ी सहयोगनी ने किया। इतना बड़ा पुण्य का काम आप लोग करते हो। मेरी सब आंगनबाड़ी सहयोगनी आशा सहयोगनियों से टेलीफोन पर बात हुई, वर्चुअल बात हुई, और मैंने जब वर्चुअल बात हुई तो मैंने उनके काम को देखकर भारत के प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरीके से आंगनबाड़ी आशा सहयोगनी और सहयोगनी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने इलाके के अंदर कोविड में लोग स्वस्थ रहे उसका काम करने का काम किया है। और इसलिए मेरी बहनों, मेरा आपसे ये निवेदन है, आप सबने हमें आशीर्वाद दिया, सांसद बनाया, लोकसभा स्पीकर बनाया, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी बहनें प्रसन्न रहे, हमारी बहनों के घर में 2 टाइम रोटी का इंतजाम हो, हमारी बहनों के बच्चे पढ़ने का इंतजाम हो, उनका इलाज ठीक से हो, उनके स्वरोजगार के माध्यम से उनको रोजगार मिले और हर बहन अगर स्वस्थ रहेगी, प्रसन्नचित रहेगी, इससे बड़ा पुण्य रक्षाबंधन का पर्व का कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अभी हमारी कुछ बहनें राखी बांधेगी, बाकी सबका रिश्ता मैंने बांध लिया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हम सबने रिश्ता बांध लिया है, लेकिन धागे का रिश्ता बन चुका है। धागे से ज्यादा आपका मेरा दिल का मन का रिश्ता है, आपके प्रति समर्पण सेवा का रिश्ता है, और ये रिश्ता लंबा चलने वाला है। आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे विधायक हीरा लाल जी बैठे हैं, पूर्व विधायक, मैंने उनको भी कहा है रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि सांगोद की हर बहन आपकी है, उसके घर में कोई भी अभाव हो, वंचित हो, गरीब हो, उस बहन के खुशहाली लाए हम और प्रयास करेंगे और मिलकर काम करेंगे, लेकिन सबकी समृद्धि लाने का काम हमारे हीरा लाल जी नागापुर विधायक करेंगे। आप सब बहनों का आशीर्वाद इन पर रहना चाहिए, हम सब मिलकर भाई आपकी रक्षा करने का काम करेंगे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।